अब बात मुंबई पुलिस की। जी हां, कोरोना काल में कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाने वाली मुंबई पुलिस एक बार फिर एक्शन में है। कोरोना को चुनौती देने के लिए, साथ ही उसके बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी कमर एक बार फिर कस ली है, जिसका असर अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सीमित कर दिया है। अब मुंबईकरों को अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही बाल कटाने, व्यायाम करने और खरीदारी जैसे काम निपटाने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो चुकी है। वहीं बिना वजह अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर निकलने वालों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है। वाहन चालकों से सही उत्तर न मिलने पर पुलिस उनके वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह मुंबई के जोन 11 के अंतर्गत आने वाले इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी कर तमाम वाहनों की सघन जांच की। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत रविवार को मुंबई में तकरीबन 5000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई किया गया, उन्हें जब्त किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अब भी बदस्तूर जारी है। मौके पर मौजूद जोन 11 के डीसीपी डॉक्टर मोहन दहिकर ने बताया कि जो लोग बिना कारण घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ियों से खासकर सफर करते हैं, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो बीमारी है, इस बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। शासन और प्रशासन ने अलग अलग रियायतें दी है, जिससे कि हमारा जीना मुश्किलों से कम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई अपने किसी भी छोटे छोटे काम के लिए गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकल जाए। ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पब्लिक छोटे छोटे काम के लिए दूरियां तय कर रही है या कार में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए ज़्यादातर बाहर निकल रही है, जिससे कि इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कम हो जाता है। हमारी कोशिश यही है कि सबको ये फिर से एक बार समझाया जाए कि आप कृपा करके जहाँ मेडिकल इमरजेंसी हो या बहुत ही अत्यावश्यक काम हो तभी घर के बाहर निकले या आपकी नौकरी के लिए निकले, लेकिन ये जब भी करते हैं तो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ना कि रास्ते पे भीड़ की तरह हम लोग निकल पड़े। ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। सर, कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है और डबल सीटर जो भी निकलेगा तो उसको आपके पूरे जोन में किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लॉकडाउन जब इज आउट हुआ है तो मोटरसाइकिल पे सिर्फ राइडर ही अलाउ है, कोई पिलियन राइडर्स के साथ अलाउ नहीं है। सेकेंडली, जो फोर व्हीलर या रिक्शा है इसमें ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स ही अलाउ है, इसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये भी जो है ये सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए है, इमरजेंसीज के लिए है, ना कि हम लोग घूमने निकले।